नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे इन कॉम्स के बारे में जिनका जन्म 4 नवंबर 1969 को हुआ। उनके स्टेज के नाम से पफ डैडी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। वे एक अमेरिकी रैपर, रिकॉर्ड निर्माता, रिकॉर्ड कार्यकारी और अभिनेता हैं। हार्लम में जन्मे कॉम्स ने अपने 1993 में अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल बैड बॉय रिकॉर्ड स्थापित करने से पहले उनका अपटाउन में रिकॉर्ड्स में एक प्रतिभा निर्देशक रूप में काम किया। कॉम्बस के कुख्यात बीआईजी, मैरी जे बिल्स और आशर जैसे कई सारे कलाकारों के निर्माण और उन्होंने प्रशिक्षण भी कर चुके हैं। और अगर बात की जाए उनके शुरुआती जीवन के बारे में, तो सीनचान कॉम्बस का जन्म न्यूयॉर्क शहर के हार्लेम पड़ोसी में हुआ था। माउंट वेरनॉन न्यूयॉर्क में पले बड़े उनकी मां जेनिस कॉम्बस एक मॉडल और शिक्षक की सहायक थी और उनके पिता मेलविन अर्ल कॉम्बस अमेरिकी वायुसेना में कार्यकर्ता थे। उनकी दोषी न्यूयॉर्क के सहयोगी थे यॉर्क ड्रिग डीलर फ्रैंक लुकास ने 33 साल की उम्र में मेलविन के सेंट्रल पार्क वेस्ट में अपने कार में बैठकर उसी समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह शाम 2 साल के थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।